हाई एवरी वन वेलकम बैक तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मिस्टेक लिविंग का ये रोज हिप ऑइल का रिव्यू प्लस मैं आपको बताऊंगी हाउ यू कैन जस्ट यूज दिस फॉर योर फेस इन एन इफेक्टिव वे सो दिस इज हंड्रेड परसेंट प्योर एंड नैचुरल एंड दिस वन इज कोल्ड प्रेस्ड ऑइल अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे दें डू नॉट फोर गेट टू हिट दैट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो ओके तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ हमारी पैकेजिंग के बारे में तो ये कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आता है यू गेट दिस क्यूर बॉटल विद यू विच इज वेरी हैंडी आप इसे लेकर ट्रेवल कर सकते हो इट हेज दिस टिकट ओपन

जैसे कि ये एंटी इन्फ्लेमेट्री होता है इससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा स्मूथ एंड नरिश रहती है एंड ऑल्सो ये मॉइस्चराइजर का भी काम करता है दिस वन इज़ अ रिच सोर्स ऑफ सी ए एंड वाइटामिन ई एस बिकॉज इट इज़ नॉन कोमेडोजेनिक तो ये कोई भी स्किन टाइप यूज कर सकते हैं सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप मैं खुद ऑयली स्किन से हूँ मुझे बिल्कुल ब्रेकआउट्स नहीं हुए हैं तो इवन ऑयली स्किन पर्सन कैन ऑल्सो यूज दिस मिस्टेक लिविंग का रोज हिप यू नो ऑयल ये बिल्कुल भी आपको ब्रेकआउट क्रिएट नहीं करेगा फेस पर कोई ग्रीसीनेस क्रिएट नहीं करेगा बहुत ही ब्यूटी फुल स्किन में ब्लेंड हो जाता है एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन तो ये एक्ने प्रोन स्किन वाले लोग भी यूज कर सकते हैं तो भी ब्रेकआउट नहीं फील कराएंगे ना ही पोर्स को क्लॉक करेगा ऑल्सो इनकी जो पैकेजिंग का डार्क कलर है दैट इज फॉर द रीजन की लाइट के साथ रिएक्ट ना करे ऑल्सो ये गाइस तो इसकी जो फ्रेगनेंस है वो कुछ भी आर्टिफिशियल या एडेड फ्रेगनेंस नहीं है बट इसकी नेचुरल फ्रेगनेंस आपको आएगी जो की हल्की सी मुझे मस्टर्ड ऑयल वाली लगती है जो कि इतनी माइल्ड है कि लगाते ही आपको इतनी फील नहीं होगी वो स्किन में जाके एब्बॉर्ब हो जाएगी एंड वो गायब हो जाएगी बिल्कुल ऑल्सो ये गाइजेप ऑयल बिल्कुल कोल्ड प्रेस है तो इसमें कोई भी रिएक्शन होने के चांसेस नहीं है क्योंकि ये स्किन हाइपर पिगमेंटेशन को तो रिड्यूस करता ही है आपको एक इवन स्किन टोन भी प्रोवाइड करता है और आपके जो स्किन का कोलाजन है जो प्लम्पनेस है उसको भी इन्हांस करता है आपके स्किन में यू नो रेडियंसी लेकर आता है सो so जो पिगमेंटेशन होती है वो थ्री मंथ से वन ईयर तक लेती है हैारी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन क्योंकि किसी की स्किन पर जल्दी प्रोडक्ट रिजल्ट दिखाने लगते हैं किसी की स्किन पे थोड़ा सा टाइम लगता है ये आपको सिक्स टू एट वीक्स भी लग सकते हैं बहुत ही सटल हाइपर पिंगमेंटेशन है इट विल हार्डली टेक अ मंथ और टू मंथ फॉर यू टू जस्ट क्लियर दैट आउट मुझे तो इसको यूज करते कुछ 15 हुए कुछ फिफ्टीन डेज हुए एंड मेरे फेस पे मैं देख पा रही हूँ वो ग्लो एंड प्ल्पनेस अगर आप भी देख सकते हो मैंने आज बेस में कोई भी मेकअप यूज नहीं करा है मेरे पास सिर्फ लिपस्टिक है एंड आई हैव ब्लश ऑन चीक्स एंड आईब्रोज बनाए हैं दैट्स इट मेरा स्किन का बिनीत आप देख सकते हो बहुत ज्यादा ग्लोई एंड प्लंपी सी लग रही होगी नाउ ये 24 मंथ्स तक आप इसे यूज़ कर सकते हो ऑल्सो यू गाइज आपको बेस्ट रिजल्ट अगर चाहिए तो आप अगर इसे रेजमी की तरह यूज़ कर रहे हो तो आपको जल्दी रिजल्ट दिखेंगे रोज़ यूज़ करो तो जल्दी रिजल्ट दिखेंगे एंड ट्वेंटी फोर मंथ्स तक रखने की नीड नहीं पड़ेगी तो इसको आप मोस्टली नाइट में यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज नाइट इज द टाइम जब आपकी स्किन एक हीलिंग प्रोसेस में होती है तो ये जो ऑयल है आपकी स्किन में एकदम एब्जॉर्ब हो सकता है डीप लेयर्स तक जाकर अगर आप इसे डे में यूज करते हो तो आप कोई भी यू नो मेकअप यूज़ कर रहे हो या कुछ भी यूज़ कर करे हो सकता है वो स्वेट के आने से ब्रेक हो जाए बिकॉज ये

और अपने पूरे फेस पे अच्छे से यू uh, नो you know, मसाज कर सकते हो यू कैन ऑल्सो यूज अ ग्वाशा एज वेल मैं ग्वाशा यूज कर लेती हूँ या फिर कभी कभी जेड रोलर यूज कर कर लेती हूँ क्या करता है ना uh, वो एक तरह से बेसिकली uh, ये रोजे पॉइल थोड़ा सा एक लुब्रिकेंसी का वर्क करता है मेरे फेस पे सारी चीजें अच्छे से फिसल के वर्क कर रही होती हैं एंड ग्वाशा उसे और अच्छे से यू you नो know, प्रेशर डालकर मेरे फेस के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको रिलैक्सेशन दे रहा होता है सो इट आई जस्ट टेक माई ओन लिटिल टाइम टू जस्ट मसाज दिस ऑन टू माई फेस एंड अच्छे से मसाज करती हूँ मैं तो ये फेस के ऊपर बिल्कुल रह नहीं जाता है बिल्कुल स्किन के अंदर डीपली चला जाता है पेनिट्रेट कर जाता है एंड इसके ऊपर आई वुड सजेस्ट आपको कुछ और लगाने की नीड ही नहीं पड़ेगी बिकॉज ये काफी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग हो जाता है लगा के इसको बस सो जाओ एंड मॉर्निंग में आप अपना नॉर्मल फेस वॉश कर लो आप जब इसे रेगुलरली यूज करना स्टार्ट करोगे रोज रात में देन यू यू विल बी एबल टू सी द रिजल्ट ऑन योर फेस आपके स्कार्स यू नो फेड होना स्टार्ट होंगे हाइपर पिगमेंटेशन जितनी है वो थोड़ी थोड़ी लूजन अप होना यू uh, नो you know, स्टार्ट होगी लूजन अप इन अ सेंस थोड़ी सी इवन टोन होना स्टार्ट होगी एंड आपको जितना भी यू नो ब्लेमिश स्कार्स हैं वो सब जाएंगे आपके फेस के सो um, बेसिकली so मैं तो इसे ऐसे ही यूज़ करती एंड एंड आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट रिकमेंड टू जस्ट गो ट्राई आउट का रोसेप सीड ऑयल आपको ये डिफरेंस दिखाएगा बट जब आप इसे एक की तरह यूज करोगे तो बिल्कुल जाओ और इनकी वेबसाइट पर जाकर भी आप इसे बाय कर सकते हो और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जा, अवेलेबल है मैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मेंशन कर दूंगी सो जस्ट गो एंड ट्राई आउट दिस वन फॉर योर सेल ओवरऑल आई लव द प्रोडक्ट एव बीन यूजिंग इट एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइज टू जिस Go and try out this product, and that's it with the video. I'll see you guys in my next video. Till then, take care of yours. I love you guys a lot. Bye bye.